मुझे एग्जाम है ना कभी पढ़ा और आज भी एग्जाम है तो आज भी नहीं पढ़ा है सीधा एग्जाम पढ़ेंगे रिजल्ट दिखाऊंगा मुझे बेइज्जती वो वहाँ पे राजेंद्र आ रहा है उसको पता ही नहीं आज उसका एग्जाम है उसको पता ही नहीं अचानक से किसी ने कॉल किया और भाग के आ रहे वो आ रहा है और अभी हमें ढूंढ रहा है इसका कॉल आया फिर ये उठा ही नहीं था फिर मैं इसको कर रहा था हाँ फिर मैंने जैसे फोन कॉल के देखा कि आज तो एग्जाम है पर इन्होंने खर्चा करने के लिए वो लिए ये आमदनी ठंडी और खर्चा रुपया हेलो गाइस मैं अनुज की जानी वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बड़े दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है और यार ये हेडलाइन मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट लेके आता हूँ बाकी आज का जो व्लॉग है ये शुरू हो रहा है इन भाई साहब के घर से इन्हीं के मोबाइल से और मैं यहाँ पे आया था इन्हीं को ही लेने क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है तो मैंने सोचा थोड़ा MLSU जो एग्ज़ाम के सीन है वो थोड़े तुम्हें दिखाया जाए और मैं भी थोड़ा एग्ज़ाम देने जा रहा था मैं थोड़ा साथ में इसको लेके जाया जाए गाड़ी सर्विस पे दे रहा हूँ मैं भी आज क्या आज तेरी गाड़ी पे चलना है ठीक है चल जाएंगे बाकी ये इसकी सर्विस डायरी कौन सी सर्विस है सेकंड फर्स्ट सर्विस ठीक है फर्स्ट सर्विस पे इसकी गाड़ी रखते हैं मेरे भी थोड़ा बहुत गाड़ी में काम है वो करवाता हूँ उसके बाद हम निकलते हैं MLSU कॉलेज जहाँ पे थोड़ा एग्जाम के सीन तुम्हें दिखाऊंगा नहीं यार गाड़ी का पैसा लगेगा उसका सोच रहा हूँ गाड़ी का कौन सा बेटा फर्स्ट सेकंड थर्स्ट सर्विस फ्री नहीं होती फ्री तो है लेकिन ऑयल का पैसा लगता है अच्छा ऑयल का पैसा तू दे देना थोड़ा मेरे को कुछ पता नहीं है गरीब आदमी दे देना थोड़ा बहुत क्या बोला मैं गरीब आदमी कैसे दे देगा ठीक है तो चलते हैं गाड़ी बाकी गाड़ी यहाँ पड़ी है जो सर्विस तो देनी है देखो कितनी मॉन्स्टर सी दिख रही है और इसका नाम क्या रखा तूने वैसे मॉन्स्टर ही राम रखा है बहुत बढ़िया नाम ठीक है अगर रख दिया है मैंने कहने पे तो बहुत बढ़िया और नहीं रखा है तो यही रख दे मॉन्स्टर मैं अपनी गाड़ी का क्या रखूँ मैंने तो ऐसे सोचा नहीं और बहुत दुबली पतली सी है तो इसका कुछ दुबला पतला सा नाम होगा वो आगे जाके कभी देखेंगे क्या रखें जब जो मर्जी तब वो रख देंगे ठीक है फिर भी ये आगे का जो कांच दिख रहा है तुम्हें भाई थोड़ा ढीला हो चुका है इसको थोड़ा टाइट करवाना है तो मैं करवाता हूँ चले जनरल सर्विस है ऑयल चेंज है जंग नहीं आएंगे वन टाइम होता है 450 रुपये अगले 3 साल तक के लिए फ्री रहता है इस भाई के पास पहले प्लेटिना थी और प्लेटिना में कितना बिल पड़ता था प्लेटिना बेचारी 500 रुपये में तैयार हो जाती थी 500 रुपये में सर्विस 2 महीने 2-3 महीने तक चलती थी आराम से ऑयल चलता था और ये गाड़ी को मैंने पहली बार 1 महीने के बाद ही 1300 रुपये का खर्चा बता दिया भाई 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 इसका ऑयल इसका ऑयल इतना महंगा आता है मैं तो टूट गया इसलिए तो मैंने ये लिया मैं पूरा दौड़ाता हूं हीरो होंडा पर इन्होंने खर्चा करने के लिए वो लिए ये आमदनी ठंडी और खर्चा रुपया तो ये बाइक और ये भैया भैया बोल रहे हैं ब्लॉग कब आएगा तो हमने कहा ब्लॉग कल तक आएगा बाकी भैया ये रस्सी वस्सी बना रहे हैं और बाइक को यहाँ रखेंगे और शाम को यहाँ से उठेंगे ठीक है बाकी सब सीन छोटा होंगे मेरे भी बाइक का थोड़ा सा कास्ट टाइट कराना भैया बोल रहे मैं करवा दूँगा भैया आपका नाम अहमद हम जा रहे हैं कॉलेज की तरफ बगचौदी वेल ने हमारे कॉलेज के बगचौद लौंडे वहीं बैठे सारे के सारे तो वो सब एग्जाम दे रहे हैं अंदर की तरफ 2 बजे वो छूटेंगे तब हम तुम्हें उनसे मिलाएंगे और बाकी मेरा गाड़ी का कांच टाइट हो चुका है शोरूम से हम निकल चुके हैं अब ये कौन से रास्ते से लेके जा रहा है पता नहीं पर गाड़ी चले जा रही है ये बहुत पता है हमें बाकी सब ठीक है बढ़िया है मुँह में कैमरा गुजर रखा है मेरा आधा फेस ही दिखता होगा पर कोई नहीं सहन कर ले भाई जहाँ पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है क्योंकि सब तरफ धूप है जगह तो बहुत है पर धूप है छाँव वाली जगह नहीं मिल रही छाँव वाली जगह ढूंढते हैं सारी बात है थोड़ी बहुत तो सीट गर्म होगी तो गाइस हम आए थे कॉमर्स और कॉमर्स के बाद हम इधर जा रहे हैं क्योंकि कॉमर्स में जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम थे उसमें तो बच्चे अंदर एग्जाम दे रहे तो कुछ ऐसा बड़ा सीन हो नहीं रहा था तो अब हम जा रहे हैं साइंस की तरफ देखते हैं वहाँ पे कोई सीन चल रहा है कि नहीं चल रहा है बाकी एग्जाम चल रहे होंगे लोग वहाँ से हमें साइंस की तो मैं जब भी कॉलेज में आता हूँ एक ना एक दो लड़की हमेशा क्रश बनती है ऐसे कैसे बन जाती है क्रश अपडेट होता रहता है हर एक सेकेंड में हर 5 मिनट में हर 10 मिनट में पॉइंट गिरा अपडेट तो गाइस अभी हम आए साइंस की तरफ और साइंस में भी पूरा माहौल शांत शांत हो रखा है क्योंकि सब अंदर चले गए एग्जाम देने फर्स्ट ईयर के एग्जाम है कॉमर्स में भी यही सीन चल रहा है और आर्ट्स में भी यही चल रहा है 11 बजे सब एक पेपर देने अंदर गए तो मैं थोड़ा लेट हो गया आने में बाकी मेरा भी एक पेपर है 3 बजे मेरा भी एग्जाम है तो
तब तक रुका हुआ हूँ मैं, आगे यही है कि अभी मैं थोड़ा इधर उधर ब्रह्मण घूम रहा हूँ, साइंस आर्ट्स कॉमर्स इधर उधर, आर्ट्स की तरफ शायद ही जाऊँगा पता नहीं, पर 3 बजे एग्जाम है ना, कभी पढ़ा और आज भी एग्जाम है तो आज भी नहीं पढ़ा है, सीधा एग्जाम दिखाऊंगा, बेइज्जती हो रही है बिना फालतू की, ऐसा कुछ 3 बजे एग्जाम है और ये अभी शायद 10 बजे और 10 बजे कॉलेज में आके बैठा ही अभी, रिजल्ट पढ़ेगा क्या तू, देगा क्या, लिखेगा क्या एग्जाम में, और सीरीज मेरे से ले रखी है और पैसा लगता है ना पैसा लगता है ठीक है, बाकी बात ये पढ़ना वरना है नहीं भाई, बाकी ये है कि अभी साइंस तो पूरा शांत पड़ा है और कॉमर्स भी, क्योंकि सब एग्जाम दे रहे हैं, बाकी सेकंड ईयर वाले अभी तक आए नहीं, मतलब मैं सेकंड ईयर में और फर्स्ट ईयर के एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं सोचा थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे, पर मैं 11 बजे से थोड़ा लेट हो गया, बाकी सब बढ़िया है, तो अभी जब छुट्टी होगी तब दिखाएंगे, बाकी फिर हम अंदर चले जाएंगे, तब हम फिर आपको 6 बजे मिलेंगे, बाकी उससे पहले और भी कुछ होता है तो दिखाते रहते हैं, मेरे बहुत सारे क्रश आएंगे बहुत सारे क्रश आएंगे, बाकी एक चीज़ बताऊं तुम्हें, ऊपर लोग पढ़ते तो नहीं है वो पता लगे, अरे पट्टा पटना पटाना और पटना की बात ही क्यों करता है पटना पटना से याद आया एक मीम, क्या मैं तो मैंने तो अभी एक चैनल स्टार्ट किया, तू एक चैनल वो स्टार्ट कर, इसमें ना तू है ना यूट्यूब के बारे में ज्ञान दिया करते को, वैसे भी बहुत सारा ज्ञान है यूट्यूब के बारे में, वो बात अलग है, तेरे व्यूज नहीं आते वो बात अलग है, लेकिन तू जिसको भी ज्ञान देता है वो ऊपर चला जाता है, इसलिए तेरा नाम पंडित जी, ठीक है ये बात तो सही है, क्योंकि हमने इसे भी ज्ञान दिया इसका चैनल तो गया, तेरा चैनल नहीं अभी 20 ही आया, तेरा भाई का मेरा भाई तो टॉप पे चला गया पंडित जी के ज्ञान की वजह से, बाकी हम नहीं गए एकदम सिंपल, बाकी कॉलेज पूरा खाली खाली सा पड़ा हुआ, इधर उधर उधर इधर किधर कोई भी नहीं है, लौंडा आया नहीं है पहुंचने के लिए, लौंडा आया सीट के ऊपर बैठ गया, हाँ ये भीगो पानी हो गया एक मुट्ठी खूब, लौंडा आया आके गाड़ी के ऊपर बैठ गया, सीट गर्म थी, बम जल गए, वहाँ से पानी ला के इसके ऊपर डाला, अब कैसा लग रहा है, हाथ जल गए मेरे, देख हाथ लाल हो गए पूरे, ये सीट इतनी गर्म, चाची सही बोलती है कि गाड़ी छाया में लगाओ, हमने यहाँ गलती से लगा दी, उनकी बात नहीं मानी, धूप आई सीट जल गई, और चाची मतलब जो हमारे यहाँ गाड़ी का पार्किंग लगाती है वो सब, ठीक है बाकी हम अभी बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अपन जा रहे हैं वड़ा पाव खाना है, पैसे तू देगा वड़ा पाव के और छाछ मैं पिला दूंगा, ये चिंदी मेरा 10 रुपये ये चिंदी खर्चे ही करता है चिंदी साले, बड़े बड़े खर्चे अपने ऊपर, ठीक है कोई नहीं चलता है, चले चलो रेंट वसूल रहा है मोबाइल का, समय थे वड़ा पाव खाने और वड़ा पाव हमने ले लिया, ये देखो मस्त एकदम गर्मा गर्म सा, इधर भी और खा रहे हैं, माइक वाइक मैंने हटा दिया थोड़ी आवाज़ कम आती होगी, बाकी सब बढ़िया है, कैसा है जोरदार हमेशा जोरदार, ये जब जब आता है तब मेरा व्लॉग कम और फूड व्लॉग ज़्यादा मतलब ज़्यादा बन जाता है, मतलब लाइफ स्टाइल व्लॉग या घूमने फिरने वाला व्लॉग से ज़्यादा फूड व्लॉग लगता है, क्योंकि उसमें सब खाना पीना ही होता है, इसकी वजह से इसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, देखो खुश रहा है, बोले पिछले वाले व्लॉग में लखारे लोग ऐसे ही होते हैं, सही में ऐसे ही होते हैं, हाँ चलो हम खा लेते हैं, ये हमारी गाड़ी, ये हम क्या पार्टी हो, तो गाइस ये फोन पे स्कैनर काम नहीं कर रहा था, अब क्या करें जूते खा के जाए या फिर तो बर्तन धो के, तो गाइस आ चुके हैं रोहित भाई इधर ऊपर तो देखो आ गए, कुछ याद है एग्जाम के लिए, याद है फुल गोले ही तो कर रहे हैं, नीतीश भाई आज तुम कितनी देर में फ्री हो जाओगे, मैं तो फ्री हूं ना, नहीं नहीं एग्जाम देके कितनी देर में फ्री हो जाओ, एग्जाम में क्या है 5 मिनट काम मेरा, 5 मिनट काम तो है नहीं है, गोले भरने हैं ना, कॉन्फिडेंस देख रहा बंदा, वैसे भी पत्ते भी भरने होते हैं कभी 4:30 फ्री हो जाते हैं, बाहर आके तो यही बोलता है, फिर पता नहीं कितनी बजे होता है, बोलता मैं बाहर नहीं मिलता हूं, कैसे हो तुमने बोला व्लॉग बना दो, मैंने बोला व्लॉग बना देते, बिल्कुल व्लॉग बनाना चाहिए, आगे आज के पेपर कितनी देर में निपटा दोगे, 45 मिनट, ये मतलब एग्जाम देने आया ऐसा लग रहा है कि मतलब नींद भी से आया हो, ऐसा कोई लोड ही नहीं है, एग्जाम है कि नहीं है, क्या लोड लेता है ऐसे एग्जाम का, एग्जाम का कोई मतलब नहीं, आओ साइंस की तरफ जाके, आज किस्मत इतनी खराब है ना, वहाँ गए और स्कैनर काम करना बंद करके यहाँ आए तो पानी आना बंद हो गया, क्या बोलना चाहेगा, ये घड़ा तेरा कब भरेगा, ये तेरा जब तक घड़ा भरेगा तब तक क्लास में नहीं पहुँचेगा, एक घंटा लगेगा लेकिन पीते तो पता तुझे हमें तो पेपर भरने से ज्यादा डर गोले बनाने में लगता है, ओएमआर गोले बनाने में डर लगता है, अरे गोले बनाने में ना क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अच्छा तुक्के बाजी खाली ऐसे ही, हेलो मैं कहता था ए बी सी डी एफ, जिसमें भागा वो टिक 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 टिक, कैसा करने पेपर खत्म, फिर बाहर क्या करते हो, वैसे बाहर आके बाहर एकदम सीना चौड़ा करके आता हूं एकदम, रोहित भाई तुम कितनी देर में खत्म कर दोगे, पूरा 3 घंटे वो वहां पे राजेंद्र आ रहा है, और राजेंद्र आज एग्जाम देने बहुत लेट आया, उसको पता ही नहीं आज उसका एग्जाम है, उसको पता ही नहीं अचानक से किसी ने कॉल किया और भाग के आ रहे, वो आ रहा है और अभी हमें ढूंढ रहा है, आज उसको पता ही नहीं उसका एग्जाम है, अचानक से पता पड़ा आया है, वो देखो बॉडीगार्ड भी साथ में लेके आता है वो तो, हाँ लवली सिंह बॉडीगार्ड, और
आज 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 पता था एग्जाम है हैं, पता था ना यार अभी तो पेज भर है। अरे घंटा आज सेकंड ईयर में आज आज कितने भर दिए मैं जॉब जाने की तैयारी कर रहा था इसका कॉल आया फिर ये उठा ही नहीं था मेरे फिर मैं इसको कर रहा था फिर मैंने जैसे फोन कॉल के देखा कि आज तो एग्जाम है। मैं वही तो बोला था मैंने, मेरे को लगा 17 तारीख को इसका एग्जाम, मैंने इसको बोला भी था अरे नहीं है हमारे तो आज मई में है। मैंने बोला भाई गजब मई में भाई गजब हो गया आज नहीं आ रहा तो अगली बार देता। बहुत बढ़िया, एक तो अगली बार हो गया एक और अगली बार हो जाता। कितने भरे कितने भरे 10 बजे मैसेज किया था, मेरा रिचार्ज नहीं था तो आप आ गया हूँ। मैं यूनिवर्सिटी नहीं गए, तू आया ही नहीं ना, नेक्स्ट टाइम चलेंगे ना। काम लेकर आ गया था। कितनी देर में भर देगा आज गोले? गोले भरने 1 घंटे एक घंटे में ये सब रुके हुए, फिर चलते फतेह सागर इधर। नहीं चलते क्यों? मतलब रेगुलर वाले सब अपने फोन बैग वैग सब यहाँ रख के फिर अंदर जाते हैं। बस तो बोलेगा कौन भाई एग्जाम कैसा गया? एग्जाम बहुत घटिया गया। अभी इधर एग्जाम देके 2 बजे से मेरे लिए रुका हुआ है ये, मैं नहीं रुका। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी रुका हुआ है 2 बजे से, और ये भी रुका हुआ है। निकले धूप में, धूप में नहीं चलना गया। तो गाइस हम आए थे यहाँ पे गाड़ी लेने, या तो गाड़ी देख नहीं रही है, क्या पता कहाँ रख रखी है, या तो बाहर पहुँचा के गाड़ी मिली, क्या पता बेच के खा गए। तो ऊँची कर दो भैया, ऊँची कर दो, ऊँची कर दो। वो बंदा आया देख, हाँ वो बंदा आ रहा, और ये जाके घुसेड़ देता हूँ, यहाँ से निकाले वहाँ जाके घुसेड़ देता हूँ। देख अब जाने वाले, बस प्रैक्टिकल देख लिया ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तेरी गाड़ी के बारे में तू ही कुछ बोल। सर्विस कराने के बाद? तो सर्विस कराने के बाद अभी तक मैंने चलाई तो नहीं है, चला के देखेंगे कैसी चलती है, पर ठीक ही चलती है, प्लेटिन ऐसे तो अच्छी है प्लेटिन हमारी। हाँ खैर वो बात अलग है, 1300 लगा के खर्चा किया हमने इस पर पहली बार सर्विस में। ठीक तो है बाकी फर्स्ट सर्विस फ्री क्यों बोलते हैं? 1300 इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए फ्री है मेरे लिए 1300 यार। उधार मांग के लिए उधार मांग के है, चलो कोई नहीं, गाड़ी भी उधार मांग के भी चली जाएगी। वो भी उस बंदे से जो ड्रीम इलेवन में पैसा लगा था, आप सोच लो वो बंदा 5 फ्री में ना दे। वो ऐसा तो नहीं बोल रहा ऑटो में बैठ के मामली पतन कर पतन कर।